संसार में कुछ आत्माएं समाज की दिशा परिवर्तन के लिए आती हैं, परंतु एक महान आत्मा ऐसी आई जिसने मानवता को उत्थान और कल्याण का मार्ग दिखाया, सत्य समझाया। हमारे मन में बचपन से जो एक बात घुसाई जाती है, बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है, वो ये कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा। फिर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देश भारत रहा। फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया, भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया। हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता, अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती, अंग्रेज नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता, अंग्रेज नहीं आते तो तकनीकी नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जहाज नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं। आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी, दुनिया में बार बार कही जाती है कि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, तो थोड़े दिन में वो झूठ सुनते सुनते सच लगने लगता है। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई, हमने उनसे हजार साल पहले बर्फ बनाई थी। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया, कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते हैं और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। चीनियों के दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा, तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से यहां से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी समझते हैं, ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझ में आ, ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3,500 साल पहले का इतिहास है, उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया, मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है, हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए, लघुता मत आने दीजिए, कोई आत्मग्लानी मत आने दीजिए। अब गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए, इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है, हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लेंसडाउन को, लेंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए।
तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ढूंढो कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया, और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर, फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे, 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लेंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया, और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे, विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं, हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं, और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से यह नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया, और पहली बार मुझे यह दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया, वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। सबसे पहले एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं, उसका नाम है थॉमस बैब मैकॉले, टीबी मैकॉले जिसको हम कहते हैं। ये भारत में आया, करीब 17 वर्ष इस देश में रहा, और अपने 17 साल के भारत के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक लंबा भाषण दिया। मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूँ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, वो 2 फरवरी 1835 को कह रहा है, माने आज से अगर हम ये जोड़ेंगे तो लगभग 160-170 साल पहले वो ये बोल रहा है। फिर आगे के वाक्य में वो और बड़ी बात कह रहा है, वो कह रहा है, आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैनोट इमेजिन टू कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। फिर इसी भाषण के अंत में मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। माने सामान्य घरों से लेकर विशिष्ट घरों तक सबके पास सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि वो ढेर लगाकर उन सिक्कों को रखते हैं, और वो कह रहा है कि भारतवासी कभी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते। एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई, ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। कोले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सबका नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ,
उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया, फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ, उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। भारत देश के इतिहास में आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है, और आज़ादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है। ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए, वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी, और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई, और वो भूल क्या हुई? हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी, तेजस्वी, उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। एक बार मौका आया, हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए, और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आज़ादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह,
और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे, तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा, और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है, और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांवों पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया, जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्वगुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है, और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए, जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके, गंभीर से गंभीर बीमारी और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है, तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है, बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हमें आनी चाहिए, और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है, और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे, और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा, और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में, और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे, उसी दिन यह हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता। करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए, और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार, बहुत धन्यवाद। खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में? उसका कारण यह है
कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले वो अब सबसे खराब है, क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में, उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना खर्चा बढ़ा है आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो कुछ आंकड़े बताता हूँ। हमारे किसान खेती करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं वो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, रासायनिक खाद खरीदने में। ये जो रासायनिक खादें हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई हैं, 1990-91 में यूरिया का एक पैकेट लगभग 60-70 रुपए के बीच में आता था और एक पैकेट 50 किलो का होता था। अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरीदे तो लगभग 270 रुपए का आता है, वो सरकारी आंकड़ा है। और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करूं तो यूरिया का 50 किलो का बोरा 350-400 रुपए तक भी बिकता जाता है। और कई गुना महंगी खाद, रासायनिक, ये सब किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। कोई भी किसान भाई गोबर गोमूत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में तो 100 रुपए आप लागत में लगाएंगे तो 1000 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10 रुपए लागत में आप लगाएंगे 100 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10,000 रुपए अगर आपने लागत के रूप में लगा दिए 1,00,000 रुपए का उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मुनाफे का प्रतिशत निकालेंगे तो गोबर गोमूत्र की जो विषमुक्त खेती है, जहर मुक्त खेती है, इसमें 900% मुनाफा बहुत आराम से होता है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंधे में ईमानदारी से नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यापार करें, किसी भी व्यापार में ईमानदारी से 900% मुनाफा आप नहीं कमा सकते, बेईमानी से तो 1000% कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मल का उपयोग करके आप 900% मुनाफा कमा सकते हैं। और यह मुनाफा पूरे देश में टैक्स फ्री है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो सरकार का झगड़ा और झंझट भी नहीं है। मैं तो आप सब लोगों को एक विनती यह करूंगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है अतिरिक्त रूप से, थोड़ा भी पैसा अतिरिक्त रूप से है, भले आपने गहने खरीद के रखे हो, भले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हो, भले आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो, वो सब निकाल लीजिए, जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए, 1 एकड़ ले लीजिए, 2 एकड़ ले लीजिए, 5 एकड़ ले लीजिए और गोबर गोमूत्र की खेती पर आ जाइए। भविष्य आपका ही है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरोग्य केंद्र खुलेंगे, वहां गोबर गोमूत्र का गेहूं, चावल, चना, दाल, सब्जियां उपलब्ध होंगी। तो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन पैदा करने वाले कहां से आएंगे? वो आप में से ही तैयार होंगे, तभी उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो आप उत्पादन करना शुरू कर दीजिए, परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये केंद्र जो चलेंगे वो बिक्री करना शुरू कर देंगे। उत्पादन आप करें, बिक्री पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान की तरफ से हो, तो उत्पादक और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंधन में ऐसे बंधे कि दुनिया की कोई ताकत हमें ना तोड़ सके। और हम जो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं, अपने अभियान को पूरी तरह से, दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया, अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है। ये गांधी जी कहा करते। 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को यह कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसके बाद यह गुलामी टूट जाएगी। और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है, उनका मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भारत से जो लूट लूट कर वो पैसा ले जा रहे हैं दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, रात रात बढ़ता जा रहा है।
पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में, आज बड़े आराम से हर साल 32 से 35 हजार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं, वो लूट के ले जा रहे हैं यहाँ से। स्वामी जी, मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री देवेंद्र शर्मा जी, अजय भाई, मेरे बड़े भाई सरीखे श्री ओपी श्रीवास्तव जी, श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी, अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, स्वामी जी का जैसा निर्देश है मैं आपसे 15 मिनट में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, कुछ बिंदु आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, ये बात हमें आजादी के 60 साल के बाद कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये बात तो लोकमान्य तिलक आजादी के पहले कहा करते थे। लोकमान्य तिलक सन 1905 में यही बात पर जगह जगह वर्कशॉप सेमिनार सिंपोजियम्स किया करते थे, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। 1905 से 1911 तक सैकड़ों बार उन्होंने इस विषय पर परिचर्चा आयोजित की है। इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में लाला लाजपत राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के बहुत बड़े क्रांतिवीर अरविंदो घोष स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। हमारे देश के आजादी के एक बहुत बड़े नायक महात्मा गांधी आजादी के पूरे समय में, माने आजादी के आंदोलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे। अब आजादी के 60 साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या हमारी मजबूरी है? क्या हमारी तकलीफ है? हमारा दुख क्या है? हमारा दर्द क्या है? हमारी पीड़ा क्या है? क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांधी जी को कहनी पड़ी, लाला लाजपत राय को कहनी पड़ी, विपिन चंद्र पाल को कहनी पड़ी, लोकमान्य तिलक को कहनी पड़ी, वही बात आज क्यों कहनी पड़ रही है? अब तो आजादी आ गई है, अब तो अंग्रेज चले गए हैं, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं है इस देश में। तब तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, इसलिए हम स्वदेशी की बात करते थे। अब आजादी के 60 साल के बाद फिर स्वदेशी की बात क्यों करनी पड़ रही है? ये गंभीर प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। बात ऐसी है कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित तो हो गई, आजादी नहीं आई, स्वतंत्रता नहीं आई इस देश में। 15 अगस्त 1947 को गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण हो गया, स्वतंत्रता नहीं आई, आजादी नहीं आई। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब है अपनी व्यवस्थाओं में जीना। स्वदेश माने अपने देश की व्यवस्थाओं में जीना, अपने तंत्र की व्यवस्थाओं में जीना, तब हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन आजादी के 60 साल के बाद तो एक भी तंत्र ऐसा बना नहीं इस देश में जो अपना हो। जिस संसद से कानून पारित होते हैं वो संसद अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो अपनी कहां है? ये गोल गुंबद जो शून्य जैसा है ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ढांचा है 1927 में, जिसको महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि बम लगा के उड़ा दो इसको, गांधी जी के शब्द हैं ये, संसद को उड़ा दो, राष्ट्रपति भवन को उड़ा दो, क्योंकि वो वायसराय का घर हुआ करता था, गुलामी का प्रतीक है। तो गांधी जी से किसी ने कहा कि बापू आप तो अहिंसा वाले आदमी हैं और आप कह रहे हैं इसको उड़ा दो, तो उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीकों को संभाल कर नहीं रखा जाता, कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी गुलामी के दौर के प्रतीकों को साज कर संवार कर धोकर और पहुंच कर रखता, हमने रखा हुआ है। हमारा तंत्र जो संसद हमने बनाई है, दुर्भाग्य से जिसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है पूरा को पूरा, जिसको इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहा जाता है, उसको हमने दुर्भाग्य से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी पार्लियामेंट्री नहीं है और कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं। आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है, बस इतनी ही स्वतंत्रता और आजादी है जो मैं आपसे कह रहा था
कि पहले गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है। व्यवस्थाएं सबकी सब वही हैं, कानून सबके सब वही हैं, नीतियां सबकी सब वही हैं, सब कुछ अंग्रेजों के जमाने का आज भी चल रहा है इस देश में। इसलिए हमको आज भारत स्वाभिमान की तरफ से स्वदेशी की बात फिर करनी पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ अधूरा है 15 अगस्त 1947 के बाद। मैं आपको बहुत दुख के साथ एक बताना चाहता हूं, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और भारत जैसे 50 देशों को गुलाम बनाया। उनमें से कुछ देश हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये एक ग्रुप के देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दूसरे ग्रुप के देश हैं। मॉरिशस है, श्रीलंका, ये तीसरे ग्रुप के देश हैं। ये ग्रुपिंग किस तरह की है, अंग्रेजों ने तीन तरह के देश गुलाम बना के रखे थे। एक देश को अंग्रेज कहा करते थे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज। सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज में ये था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन इनकी कैटेगरी थी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज, माने वो देश कुछ कुछ अपने हित के कानून खुद भी बना सकते थे, लेकिन ज्यादा कानून अंग्रेज बनाते थे। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश थे जिनको क्राउन कॉलोनीज कहा जाता था उस जमाने में। क्राउन कॉलोनीज में श्रीलंका था, मॉरिशस था, ये सूरीनाम वगैरह ये देश थे। और तीसरा था डिपेंडिंग कॉलोनीज, उनमें भारत, पाकिस्तान वगैरह वगैरह थे। डिपेंडिंग कॉलोनीज सबसे खराब गुलामी का ढांचा था, सबसे खराब गुलामी का। उसमें क्या होता था कि आपको अपने हाथों, अपने देश के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए कुछ भी करने का अधिकार ही नहीं है, सब कुछ अंग्रेजों के पास है, आप तो उनके पूरे डिपेंडेंट हैं। तो वो हम डिपेंडेंट अंग्रेजों के हो गए, क्योंकि हमारे यहां गुलामी आ गई और वो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों से आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के लिए घुस गई, एक राजा था जहांगीर, उसने आगा न देखा न पीछा, लाइसेंस दे दिया व्यापार करने का, जैसे आजकल हमारे नेता विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लाइसेंस दे देते हैं, थोड़े से पूंजी के लालच में कि विदेशी पूंजी आएगी, थोड़ी विदेशी पूंजी आएगी। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए, आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए, फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, हजारों हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी, पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर, बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में जीएम फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही है, आइए हमारे यहां, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे, हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। अभी थोड़े दिन पहले हम जिनको भगा रहे थे भारत छोड़ो, अब उनको बुला रहे हैं वापस आओ। 1942 में महात्मा गांधी का नारा था इस देश में, क्रांतिकारियों का नारा था, क्विट इंडिया, छोड़ो भारत। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का नारा है निट इंडिया, वापस आओ, KNIT, फिर जुड़ जाओ हमारे देश से।
तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है। दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था। आज हमारा देश दुर्भाग्य से पूरा का पूरा खतरे में है, क्योंकि ऐसे नेता देश में कुर्सी पर काबिज हैं जो हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने 200 साल भुगती थी। अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए हैं। मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है, जहांगीर मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है। जो देखो विदेशी कंपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। हमारा देश ऐसा हो गया। अब विदेशी कंपनियां घुस गई, हजारों हजारों की संख्या में घुस गई। इन कंपनियों ने जिंदगी के हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सवेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस्ट, बाथरूम में जाएं तो शेविंग किट्स, फिर नहाएं तो उसके बाद साबुन, फिर कपड़ा धोएं तो उसके साबुन, फिर बाहर निकलें तो कपड़े पहने, जूते पहने, चप्पल पहने, क्रीम पाउडर लिपस्टिक इस्तेमाल करें, सब कुछ विदेशी। सवेरे से शाम तक, रात को सोने जाएं तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी विदेशी, और जिस मच्छरदानी में सोए वो मच्छरदानी विदेशी, जिस बिस्तर पे सोए उसका गद्दा विदेशी, गद्दे के ऊपर चादर विदेशी, सब कुछ विदेशी हो गया। 50 साल पहले तक इस देश में स्वदेशी 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 मंत्र हुआ करता था। आज इस देश के नेताओं ने विदेशी 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 सब बना दिया। तो आजादी के 60-62 साल में हर क्षेत्र में विदेशीकरण जब हो रहा हो, तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी। और आजादी के 60-62 सालों में जब हर क्षेत्र में परावलंबन बढ़ रहा हो, तो हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही। मैं आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूं, लेकिन वो आपको जानना जरूरी है एक सच के रूप में। हमारे देश में आजादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो नेताओं के दो वर्ग थे। एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपूर्ण आजादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है। किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी समय में परमिसिबल नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। तो एक वर्ग था देश में नेताओं का, जिनमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, ये सब क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है जो ये मानते थे कि आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और हमारी शर्तों पर चाहिए, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, हमको तो अंग्रेजों की साठगांठ करके सरकार चाहिए। ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए, एक खराब शब्द है, कोलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ, गवर्नमेंट हो जाए हमारी। एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था जिसके नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जिसके नेता थे फिरोज शाह मेहता, जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ सेन। ये नेताओं का एक वर्ग था जो ये कहता था अंग्रेजों से गठजोड़ करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी मंत्री हो जाएं और अंग्रेजों का प्रधानमंत्री रहे, ये उसके नीचे मंत्री रहे, बस देश में चलता रहे। आजादी की क्या मतलब, स्वतंत्रता का क्या मतलब। तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहता था, और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता लाना चाहता था। दुर्भाग्य क्या हुआ, जब यह देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में यह कमान गई या जिन नेताओं के समूहों के हाथ में देश की आजादी की कमान गई, वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गठजोड़ करना चाहते थे। तो मानसिकता अंग्रेजियत वाली थी। तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंत बाद। हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे। आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। हमारी भूषा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी, हमारी भूषा स्वदेशी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में,
अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में, वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। ना भाषा बदली, ना भूषा बदली, ना भोजन बदला, ना भजन बदला। और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी, आयुर्वेद आधारित, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारित एलोपैथी में चला गया। माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं, ना भाषा, ना भोजन, ना भूषा, ना भेषज, ना भजन, कुछ नहीं बदला। बदला क्या, एक ही चीज बदली, माउंटबेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन की जगह उनके मंत्रिमंडल के एक्स वाई जेड, और कुछ नहीं बदला इस देश में। सबका सब वैसे का वैसा ही रहा। हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा में बार बार बहस हुई भाषा के सवाल पर, लेकिन उस मामले को पीछे लटकाया गया। बार बार बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में, उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया। सारी की सारी संविधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने। बहुत दुख और अफसोस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर शासन करने के लिए, वो हमारे देश का संविधान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है उसमें। और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, इतनी जल्दी में भारत का नया संविधान नहीं बन सकता, तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया, फिर अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यहां से वहां से, वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना, जैसे PhDs किए जाते हैं ना हमारे देश में, 10 किताबें इकट्ठी कर ली, फिर उसमें से 11 छप गई, वैसे ही दुनिया भर की 10 किताबें इकट्ठी हो गई, 11 हमारी बन गई भारत का संविधान। जिसका सबसे बड़ा झूठ है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते। कब किया था कोई बता दे मुझे, भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित, संविधान सभा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया, तो वो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया, ये कैसे कह सकते हैं? कभी रेफरेंडम करा के देख ले इस देश में, कब किया था हमने आत्मार्पित उस संविधान? कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, सारे के सारे कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, हम भारत के नागरिक हैं नहीं है ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं, उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिकता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं। कानून वैसे ही है, भाषा वैसी है, शिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है। हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाय एक नाम बदलने के, कि जहां पहले माउंटबेटन का नाम होता था, कर्जन का नाम होता था, लिलिथगो का नाम होता था, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था, क्लाइव का नाम था, वहां पर अब हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए। व्यवस्था सब की सब वही है। और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूं, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेश होता था, शाम को 5 बजे, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक। क्यों? जब हमारी संसद में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन की संसद में सवेरे के 11:30 बजते हैं, ब्रिटिश संसद में सवेरे 11:30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके, इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक सन 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता रहा। इतनी गुलामी में ये देश रहा है, इतनी गुलामी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका। ये शर्म की बातें हैं हम सब के लिए। तो इसलिए हमारा मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है स्वतंत्र, कम से कम मेरा तो मानना है आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, देश वैसे ही चल रहा है, व्यवस्था वैसे ही चल रही है। इसलिए ना किसानों की हालत सुधरती है, ना मजदूरों की हालत सुधरती है, ना गरीबों की हालत सुधरती है, ना मजलूमों की हालत सुधरती है, क्योंकि ये व्यवस्था जो
आज चल रही है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी लूट के लिए, खसोट के लिए, बर्बादी के लिए। आजादी मिलने के बाद अगर व्यवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो, तब तो ये होने वाला नहीं है। लूट तो इस व्यवस्था का मुख्य आधार है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को। पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और लाखों करोड़ों रुपया लंदन लेके जाते थे। एक अंग्रेज का जानकारी देके मैं खत्म कर रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान आया, बंगाल का राजा बन गया, गवर्नर हो गया, लूटना शुरू किया उसने कलकत्ता नाम के शहर को, 7-8 साल लूटा। लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी शिकायत हो गई, कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किए हैं भारत में और लूट मचाई है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चला। वो अंग्रेजों का पहला और आखिरी अधिकारी था जिसके खिलाफ मुकदमा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला। तो एमपीस कुछ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, भाई तुमने क्या लूटा है, कितना लूटा है? तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है उसका आकलन तो नहीं किया है, लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे, 900 ships भर के मैं सोना चांदी हीरा जवाहरात कलकत्ता से लूट कर लाया। तो फिर एक अंग्रेज पूछता इसका वैल्यू बताओ, तो कहता रफली 1,000 million sterling pounds। एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया, लंदन में उसने जमा कर लिया। तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया। अब काले अंग्रेजों ने इस देश का 72,80,000 करोड़ रुपए पिछले 60 साल में लूटा है और स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है। आप बताइए इनमें और अंग्रेजों में क्या फर्क है? तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी। इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था, और इस व्यवस्थाओं को खत्म कर देना पड़ेगा जो अंग्रेज हमारे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था और कृषि नीति अंग्रेजों की है, वाणिज्य व्यवस्था वाणिज्य नीति अंग्रेजों की है, टैक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है, एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है, सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है, और तो और सब्जेक्ट नहीं बदल पाए हम आजादी के 60 साल में। एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्ययन के लिए, वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में। तो बहुत शर्म है हम सबको अपने आप पर और अफसोस है। इसलिए हमें स्वदेशी की बात, स्वावलंबन की बात फिर कहनी पड़ रही है आजादी के 62 साल में। और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 15 अगस्त में, वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है। स्वतंत्रता हमें लानी है, स्वराज्य की स्थापना हमें करनी है, स्वदेशी को लाना है, स्वराज्य और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीक बने। ये बोलकर आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद।